नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सोचा इस फुर्सत की घड़ी में आपसे दो बातें कर लूं। आखिर ये वक्त अपनों के लिए ही तो है। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और इसका सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन। असल में इसे अधिकतर लोग सजा समझ रहे हैं, वो सजा नहीं, दवा है। थोड़ी कड़वी लेकिन बेहद असरदार कोरोना जैसे महामारी, इससे आज सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। उसे हराने के लिए इस लॉकडाउन का ना सिर्फ समर्थन करें बल्कि पूरी ईमानदारी से पालन करें। कोरोना को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे विकसित देशों की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। लाखों लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भगवान का शुक्र है कि इतना ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी भारत में यह महामारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के वजह से। लॉकडाउन का 21 दिन का पहला फेज हम लोग पूरा कर चुके हैं, इसलिए हमारे हित पे सरकार ने 3 मई तक और बढ़ा दिया है लॉकडाउन को। थोड़ा दुख ज़रूर हुआ, पर यकीन मानिए कोरोना से बचने के लिए इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बेहतर कुछ भी नहीं। हमारा पूरा माइथन परिवार, सूर्या परिवार भी इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है। लोग घबराए हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां आपने 21 दिन गुजार दिए हैं, वहां बस कुछ दिन और बिता दें। वक्त मुश्किल ज़रूर है, पर बीत जाएगा, भरोसा रखिए। एक और जहां लोग को घर में रहने के लिए एक चुनौती लग रहा है, वहां दूसरी ओर कुछ योद्धा ऐसे हैं जो अपने देश के लिए, अपने फर्ज के लिए, हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, दुकानदार भाई, डिलीवरी बॉयज, इनकी मेहनत और कोशिशों को यूँ बर्बाद मत होने दीजिए। वो हमारे लिए बाहर घूम रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं। क्या हम उनके लिए घर में नहीं रह सकते? उन्हें सम्मान दीजिए और इस जज्बे को उनका सलाम करिए। दोस्तों, हर चुनौती के पीछे एक अपॉर्चुनिटी रहती है। इस लॉकडाउन का पॉजिटिव पहलू भी तो देखिए। जिस फुर्सत की हमें अरसे से तलाश थी, आज वो हमारे पास है। हम पूरी तरह फुर्सत में हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का मेरा मतलब सोना, खाना और तोन बढ़ाना से नहीं है। ये समय हमें खुद पर, परिवार पर और दोस्तों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद को थोड़ा और करीब से जानिए। वो कहते हैं ना, जो दूर हुए ज़माने से तो खुद को पाया हमने। पहचानिए खुद को, कहीं आपके अंदर मास्टर शेफ तो नहीं छिपा है, या फिर बरसों पहले जिम्मेदारियों के बोझ तले छुपा आपके अंदर का वो लेखक अथवा कलाकार तो बाहर नहीं आना चाह रहा है। बहुत कुछ है करने को, हर दिन कुछ कीजिए। बच्चों के साथ बच्चे बनिए, माँ बाप की सेवा करिए, बल्कि उन्हें तो इस वक्त आपकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। वो दोस्त जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे छूट गए थे, उन्हें कॉल करिए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साथ में हुई मस्ती और पुरानी शरारतों को याद कीजिए। यकीन मानिए, दिल खुश हो जाएगा। बेफिक्री के वो दिन को याद करते हुए कैसे समय गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बस निराशा को अपने पास मत आने दीजिए, क्योंकि हिम्मत जहाँ ख़त्म होता है, हार वहीं शुरू होती है। और हमें हारना नहीं है, हराना है इस कोरोना को। जिंदगी जल्द पटरी पे लौटेगी, सब कुछ पहले जैसा होगा। फिर से हम बाहर निकलेंगे, फिर से दोस्तों यारों से मिलेंगे, फिर से हम घूमने जाएंगे, फिर से अपने अपने काम पे लौटेंगे। मैं आपके साथ हूँ। हमारा पूरा माइथन अथवा सूर्या परिवार इस घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। रात हो घनी कितनी, ये आसमान का इशारा है, थोड़ा सा धीरज रख, कल का सूरज हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।